इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और शिल्पी अरोड़ा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है TV 100 पर। सबसे पहले धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि संवेदना का कार्ड बीजेपी खेल रही है, तो क्या समझा जाए कि ये संवेदना का कार्ड खेला गया था जो बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, या यूं कहे कि जीत की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ रही है, या फिर जो काम किया गया है बीजेपी की तरफ से प्रदेश में उनको लेकर जीत हासिल करने वाले हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं सल्ट की जनता का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि जी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी श्री महेश जीना पर विश्वास व्यक्त किया और श्री जीना चुनाव को जीत से गए हैं। बस तो अंतिम चरण में है और इसकी औपचारिक घोषणा भी शीघ्र हो जाएगी। जहां तक जीत के विषय का सवाल है तो बहुत साफ बात है कि सल्ट की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं उन पर मोहर लगाई है और हमारे इस बात पर विश्वास भी व्यक्त किया है कि जो कार्य स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी के द्वारा भी करने शेष रह गए थे उसे हम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो रीति नीति है उस पर भी वहां की जनता ने एक बार फिर अपनी मोहर लगा करके हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाया है। तो निश्चित तौर पर ये इस पर हम केवल ये कहें कि संवेदना का विषय है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जो कार्य हुए और जो कार्य होने हैं उसको लेकर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर था और आज पुनः उसे उन्होंने व्यक्त किया है। कांग्रेस की तरफ से जो अभी आपने जिस बात का जिक्र किया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि हमारे अंदर ये बात कहने के लिए नहीं होती, सभी अपने होते हैं तो बाहरी आंतरिक का विषय नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी दुष्प्रचार करने की। लेकिन उसके बावजूद भी सल्ट की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता पर विश्वास व्यक्त किया है हम उसके प्रति आभारी हैं और निश्चित तौर पर जो अगला विधानसभा चुनाव है उससे भी बहुत साफ संकेत एक बार फिर मिल गए हैं। लगभग 10 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बार बार कांग्रेस कह रही थी कि ये लिटमस टेस्ट है हमारे मुख्यमंत्री श्री तीरथ जी का, तो लिटमस टेस्ट पास हो गया, सरकार की नीति पर मोहर भी लग गई, भाजपा के हमारे जो प्रत्याशी पे जीत भी गए और एक बार जनता ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया हम उसके प्रति उसका आभार व्यक्त करते हैं। जी शिल्पी अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगी, कहीं चूक रह गई? नहीं, बिल्कुल कहेंगे कि धन बल यूज हुआ पूरा हर तरीके से, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। काफी सुबह से शिकायतें भी आ रही हैं कि टोटल जो इसमें वोट भी नहीं डले थे उससे ज्यादा ईवीएम में नजर आ रहे हैं, तो हर तरीके का प्रशासन के ऊपर धन बल का, सत्ता बल का इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल एक सिंपैथी कार्ड खेला गया था। सुरेंद्र जीना जी अच्छे व्यवहार के थे, उनके साथ जो दुर्घटना हुई, ट्रेजेडी हुई, सिर्फ उसका इस्तेमाल था। मुद्दों के मामले में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये आने वाले चुनावों का लिटमस टेस्ट है, नहीं है। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट चुनाव था जो कि एक हमदर्दी के, बिना किसी मुद्दे के, कांग्रेस ने बहुत मुद्दे उठाए, शराब वर्सेस गंगा जल किया और पूरी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने हमदर्दी और इमोशन से ज्यादा वोट दिया। और बाकी अभी इसमें बिल्कुल पार्टी में विवेचना होगी, इसमें मंथन होगा कि क्या क्या कारण रह गए, क्यों सब लोग एकजुट होकर, पूरी पार्टी एक साथ थी, सभी लोग जिम्मेदार थे, लेकिन भाजपा ने पूरा सत्ता का दुरुपयोग किया है। एक भी होटल वहां अवेलेबल नहीं था, कितने मंत्री वहां जाकर बैठे हुए थे परमानेंट और उस चुनाव को लड़ाने के लिए। तो बिल्कुल इस तरीके से कहें कि ये अगर इनका लिटमस टेस्ट होता तो मुख्यमंत्री जी खुद वहां से चुनाव लड़ते। सेमीफाइनल तब होगा जब ये पौड़ी में बाई इलेक्शन होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तब पता चलेगा कि क्या जनता का व्यू है, क्योंकि मुद्दों पे चुनाव होगा। ये चुनाव पूरा का पूरा भावनाओं के आधार पर था, किसी की ट्रेजिडी हुई, एक हफ्ते के अंदर अंदर माननीय विधायक जी और उनकी पत्नी की डेथ हो गई, तो सिर्फ इसी कार्ड पे खेला गया है। जबकि गंगा जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, मुद्दे करे, स्थानीय मुद्दे करे, और महेश जीना जी तो कभी गए भी नहीं थे, ये मुद्दा हमने वहां पर रेस भी किया, लेकिन जनता मुझे लगता है कि भावनाओं में और एक सिंपैथी के चलते उन्होंने महेश जीना जी को चुना। जी भसीन जी, क्या लग रहा है कि जनता ने मुद्दों पर जो है यहाँ पर चुनाव नहीं दिया है, जिस तरह से शिल्पी जी कह रही हैं? अभी हमारी कांग्रेस की छोटी बहन जो कह रही थी कि हमने भावनाओं की बात की है, तो मैं तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री
श्री हरीश राव जी की अपील उनको याद होगी, जब उन्होंने बहुत ही भावनात्मक तौर पर अपनी बात को रखा और यहाँ तक कि उस बात से अपनी मृत्यु तक को जोड़ दिया। इससे अधिक भावनाओं को दोहन करने की और क्या तरीका हो सकता था जो हरीश रावत जी ने किया। बाकायदा उसका जो प्रचार प्रसार भी आगे बढ़ाया गया। और अभी गंगा जी की बात हो रही थी, मैं प्रत्याशी गंगा जी की बात नहीं कर रहा, लेकिन गंगा मैया की जरूर बात मैं करना चाहूंगा कि जो हरीश रावत जी बाद में कह रहे थे गंगा के प्रति मेरा जो है वो दायित्व रह जाता है, तो हरीश रावत जी थे जिन्होंने गंगा मैया को जो है वो नहर घोषित कर दिया था। तो जनता सब जानती है, और कांग्रेस के राज्य में जो कुछ हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो गलत कार्य हुए, वो तो जनता के सामने भूले थोड़ी है। तो चुनाव मुद्दों का चुनाव था अपने आप में। महेश जीना तो सुरेंद्र जीना जी के जितने राजनीतिक कार्य होते थे उसको देख रेख करते ही थे, वो व्यवहारिक तौर पर राजनीति में बिल्कुल पूरी तरह सक्रिय थे और क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई थी। उसमें ये कहना कि वो कभी क्षेत्र में नहीं आए तो अपने आप में ये अच्छी बात नहीं है। और बाकी जनता का जो निर्णय है उसको कांग्रेस को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और इसमें जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी के विजयी बनाया है, हमारी नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है, तो ये बात कांग्रेस का मंथन करने की आवश्यकता है। आखिर क्या वजह है कि अब पिछले चुनाव में भी 57 सीटें भाजपा ले गई और आप 11 तक सिमट के रह करें, और उसके बाद भी जो चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे बाई इलेक्शन रहा हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, सब में कांग्रेस लगातार हार रही है। और अभी स्थिति ये रहती है कि जब कभी कोई समस्या प्रदेश के सामने आती है तो कांग्रेस के जो नेता है वो नकारात्मक भूमिका निभाने लगते हैं। ये सब कारण है जो कांग्रेस को किनारे पर डाल दिया है जनता ने। तो ये जो जीत हुई है मुद्दों की जीत भी है, कार्यक्रमों की जीत भी है, भाजपा संगठन की जीत भी है, और हमारे नेतृत्व की जीत भी है। वो केंद्र से लेकर के प्रदेश तक का जो हमारा नेतृत्व सरकारों में है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, और ऐसे ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में होने वाला संगठनात्मक कार्य, ये सब कुछ है। और बाकी कांग्रेस तो बिखरी हुई है। अभी जो हालात है वो अगले आने वाले दिनों में और बिखराव की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि जो दृश्य हमने चर चुनाव से पहले देखा था वो बिखराव अब आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस और बढ़ जाएगा, ऐसा ही बात है। शिल्पी जी, आप देवेंद्र भसीन जी की बात से कितनी सहमत हैं कि बिखराव कांग्रेस में देखा जा रहा है, इससे पहले भी देखा गया, तो क्या समझा जाए कि ये वजह रही जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो रही है? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। ये मुद्दों का चुनाव था ही नहीं। पूरे प्रदेश में कोरोना के चलते जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन के कमी के चलते, इंजेक्शन की कमी के चलते सड़कों पर मर रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, किस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति पूरी डाल रखी है, कभी लॉकडाउन कभी नहीं लॉकडाउन। और अगर इतना ही अच्छा कार्य कर रहे थे, भाजपा सरकार इतना अच्छे कार्य कर रही थी, तो जनता के पूरे प्रदेश के 4 वर्ष क्यों खराब करे गए? क्यों इन्होंने लास्ट मिनट में मुख्यमंत्री बदल दिया? क्यों तीरथ सिंह रावत जी ने TSR 2 ने TSR 1 के सारे निर्णय पलटने का काम किया? क्यों गैरसैंण में लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो सिर्फ सड़क की मांग कर रहे थे, लाठीचार्ज किया गया? क्यों गैरसैंण को एक सेपरेट कमिश्नरी का दर्जा किया और वो मुद्दा बाद में वापस लिया गया, वो निर्णय बाद में वापस लिया गया? तो ये चुनाव मुद्दों पे नहीं था। भाजपा एक महिला विरोधी पार्टी है, जनता विरोधी पार्टी है। इन्होंने महिलाओं पे अत्याचार किया है। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग भूखे मर रहे हैं और उस पे लॉकडाउन हो रहे हैं, उस पे कोई निर्णय नहीं है कि कहाँ किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सभी जी, रेखा आर्या उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं। कुंभ मेला, स्वास्थ्य मंत्री जो करंट मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदहाली में है। पहाड़ों तक कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, लोगों को एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इस पर मेरे बड़े भाई देवेंद्र भसीन जी का अपनी पीठ थपथपाना कि बहुत अच्छा शासन चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्यों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? क्यों पेंशन जो है हस्बैंड वाइफ की तरह एक जने के लिए कर दी गई? क्यों बेकसूर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया गैरसैंण में? क्यों निर्णय वापस लिए गए? अगर पुराने मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं थे तो 4 साल आपने प्रदेश की जनता के और पूरे शासन के बर्बाद कर दिया आपने। अब आप उन निर्णयों को रिवर्स कर रहे हैं। करंट मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग में सर्च में कह के आए हैं कि सर्च में कोई विकास नहीं हुआ। आप लोगों ने सबने वो वीडियो देखा, उन्होंने कहा कोई विकास नहीं हुआ। महेश जीना जी खुद आकर अब इसको देखेंगे, करेंगे। तो ये चुनाव पूरा एक हमदर्दी की वजह से लड़ा गया था, एक सिर्फ हमदर्दी कार्ड था। कोई मुद्दे नहीं आए, कोई मैनिफेस्टो, कोई विजन लेकर नहीं आया। कितने ग्राम है, मैं खुद सर्च में गई हूँ, जहाँ पर मौत की न्यूज भी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी 2 किलोमीटर दूर जाकर
अपनी इंटरनेट की पढ़ाई करते हैं, वहाँ ना मोबाइल सिग्नल आते हैं और ना पे वहाँ पर इंटरनेट सिग्नल आते हैं। सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि मैं खुद 3 बार वहाँ बीमार हो गई, इतनी बुरी स्थिति सड़कों की है, इतने झटके पड़ते हैं वहाँ पर। कोई होटल, कोई सुविधा नहीं थी, जो 1-2 होटल थे वो भाजपा ने बुक कर रखे थे। अगर कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर इतने भारी मतों से कैसे जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रही है बीजेपी? बिल्कुल शासन का दुरुपयोग हुआ है, सत्ता दल का, धन बल का। इन्होंने शराब बांटी है और हमने गंगा जल बांटा है, गंगा जी ने गंगा जल घर घर में बांटा है। अब लोग इमोशन से वोट होगा, इसमें बिल्कुल विवेचना होगी हमारी पार्टी में, लेकिन ये कहना कि प्रदेश की सरकार में लोगों ने विश्वास दिखाया है बिल्कुल गलत है। अगर भाजपा इतनी आश्वस्त थी तो उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी सल्ट से क्यों नहीं उतरे? जवाब ले लेते हैं, उतरना चाहिए था। जी देवेंद्र भसीन जी, जब से सल्ट में उपचुनाव होने की बात चल रही है तब से लोगों की तरफ से ये सवाल उठाए गए और कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाती रही कि आखिर जो है मुख्यमंत्री को क्यों यहाँ से नहीं चुनाव लड़वाया गया, क्यों यहाँ पर प्रत्याशी नहीं बनाया गया। यहाँ पर साफ हो जाते स्थिति कि आखिरकार जनता भरोसा करती है या नहीं करती है। लेकिन जब महेश जीना पर विश्वास जताया गया बीजेपी की तरफ से तो हर किसी ने यही कहा कि संवेदना का कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन मैं दोनों बातों का उत्तर दूंगा। पहले तो अभी जो कहा गया कि कोई कार्य नहीं हुए और कोरोना काल में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जनता तड़प रही है, अगर ये भ्रम की स्थितियां कांग्रेस के नेता ये गलत बयानी ना करते होते तो इनकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहती। लेकिन आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिता करके ये फिर कह दिया कि कांग्रेस पर उनका कोई विश्वास नहीं है। और सच्चाई भी ये है कि जो कार्य हो रहे हैं वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं और जो कांग्रेस काल में वो भी लोगों को दिखाई दिया, तो लोगों की तुलना जो है करती है जनता तुलना। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव का सवाल है, अभी तो सुरेंद्र सिंह जीना जी के बड़े भाई जो उसी क्षेत्र में सक्रिय हैं उनको चुनाव लड़वाया गया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया भारी व्यक्ति हैं, यानी कि सुरेंद्र सिंह जीना जी के बड़े भाई जो आपसे विधायक रहे और बहुत सक्रिय रहे, जनता के लाडले रहे हैं सुरेंद्र जी और महेश जी उनके लिए काम करते रहे हैं लगातार, उनको बाहरी व्यक्ति कहने का दुष्प्रचार करने का जो गलत प्रयास किया गया। अगर मुख्यमंत्री जो मूल रूप से दूसरे क्षेत्र के रहने वाले हैं अगर वहां से चुनाव लड़ते होते तो ये लोग क्या कह रहे होते? तो मुख्यमंत्री लड़ेंगे अपने क्षेत्र चुनाव, वो भी होगा, वहां भी जीतेंगे, लोकसभा चुनाव भी होगा, वहां भी हम जीतेंगे। और जो वर्तमान में सल्ट का चुनाव है वो निश्चित तौर पर हमारे कार्यक्रमों की जीत भी है, हमारे सुरेंद्र सिंह जीना जी के प्रति जो लोगों के मनों में एक भाव था उसकी जीत भी है और साथ ही जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जीत भी है। कोरोना काल के अंदर जो सरकार के द्वारा अभी जो शिल्पी जी कह रहे थे कि एम्बुलेंस नहीं है, अभी 4 दिन पहले ही 132 एम्बुलेंस प्रदेश के विभिन्न जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई। आज श्री अमित सिंह जी स्वास्थ्य सचिव के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर कितनी व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर उसका पूरा विवरण अभी आपने बुझा ही दिखाया होगा अपने चैनल पर, वो प्रस्तुत किया है, बताइए कहाँ गलत है। और फिर मैं एक बात छेड़ूंगा तो बात दूर तरह, लेकिन देहरादून और नैनीताल की स्थिति भसीन जी, देहरादून और नैनीताल की स्थिति बेहतर नहीं है ये आप भी जानते हैं। देखिए पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ तक कभी इन्होंने एक चीज और भी कही कि उनको क्लियर कंफ्यूजन है कि लॉकडाउन कहाँ है, अभी प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है, बहुत सीधी सी बात है, अभी कोरोना कर्फ्यू है। इस बात को स्पष्ट हमें जानना चाहिए, कोरोना कर्फ्यू में और लॉकडाउन में जमीन आसमान का अंतर होता है। लॉकडाउन की बात उत्तराखंड में शुरू नहीं हुई है, एक बात। उत्तराखंड के अंदर देहरादून पर दबाव है, इसके वजह और भी है, नैनीताल पर भी दबाव की वजह और भी है कि केवल उत्तराखंड के नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों के भी जो मरीज हैं वो यहाँ आ रहे हैं, कि दिल्ली और चंडीगढ़ तक के मरीज जो है वो उत्तराखंड में आ रहे हैं अपने इलाज कराने के लिए, इस कारण से दबाव बना। लेकिन उस सारे दबाव की स्थिति को भी हम उसका जो है रास्ता निकाल लिया हमने, ना ऑक्सीजन कमी है ना बेड जो है, अगर कहीं पर आवश्यकता होती है तो निश्चित तौर पर उसका बेड उपलब्ध कराया जाता है, दवाओं की कमी कोई नहीं है। और जो व्यक्ति कोरोना टेस्ट करवा रहा है चाहे उसका पॉजिटिव रिजल्ट 4 दिन बाद आए, लेकिन उसको तत्काल कहा जा रहा है कि आप किट पकड़िए, कोरोना किट पकड़िए और तत्काल अपना घर पर इलाज करना शुरू कर दीजिए। आइसोलेशन के लिए हमारे 26,000 लोग आज होम आइसोलेशन में, जिनसे हमारी पुलिस की जो टीमें हैं वो 5,000 प्रतिदिन लोगों से बातचीत करती होती हैं, तो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं।
और हमने कोविड सेंटर ठीक है, एक छोटे से सवाल का मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी भसीन जी, उसके बाद शिल्पी जी आपके पास आऊंगी मैं। आपने जैसा कि जिक्र किया क्योंकि कोरोना की बात की आपने, दिनेशपुर में एक सीएससी अस्पताल में जहां पर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी हालत गंभीर हो जाती है, वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो आइसोलेशन में चले गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है? अगर हर कुछ व्यवस्था यहाँ पर बेहतर हुई है, अभी तक एक हफ्ते से लगातार शिकायतें की गई हैं और शिकायती पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। छोटा सा जवाब, उसके बाद फिर सर चुनाव पर। देखिए, किसी स्थान विशेष पर अभी आपसे कोई बात कही है, मैं उसे खंडन नहीं करूंगा। और कोरोना में हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो पूरे देश के अंदर उससे कहीं कहीं पर अफेक्टेड हुए भी हैं और निश्चित तौर पर बहुत साथ से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके स्थानांतरण के बारे में जो अभी आपने विषय कहा, मेरी निजी जानकारी भी नहीं है। ये अगर वहां पर नहीं भेजा गया तो भेजा जाना चाहिए, और अभी आपने कहा है तो मैं उसको उचित स्तर पर बात कहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर पूरे प्रदेश का परिदृश्य अगर हम देखेंगे तो आज राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से भी हम उत्तराखंड जो है बहुत बिल्कुल भसीन जी, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज वहाँ दिनेशपुर की स्थिति को बेहतर करवाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी मरीज की हालत गंभीर हो गई तो स्थितियाँ बेहतर होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। जी ठीक है, जानकारियाँ मिलती हैं तो हम ठीक करते हैं। चलिए ठीक है शिल्पी जी, जिस तरह से बात हो रही है सल्ट उपचुनाव को लेकर, कहीं कोई चूक हुई इसका मंथन कांग्रेस करेगी जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो शोर से ये कहा जा रहा था कि महेश जीणा जी बाहर के हैं और गंगा पंचोली जिन पर आप लोगों ने भरोसा जताया वो वहां की हैं, इसलिए जनता उन पर भरोसा जताएगी, अगर वहां पर कोई भी विकास का काम नहीं किया गया सुरेंद्र जीणा के कार्यकाल के दौरान, और तो फिर जनता ने आप बार बार कह रहे की संवेदना पर, क्या सिर्फ संवेदना पर इतने भारी मतों से जीत मुमकिन है? ये बिल्कुल भावनाओं का सत्ता का दुरुपयोग, जैसा मैंने कहा था अभी शाम तक जब हम इसकी विवेचना करेंगे तो हमें एग्जैक्ट कंप्लेंट्स पता चलेंगी। ईवीएम में कई जगह पर उतना टोटल वोट नहीं डले, उससे ज्यादा वो दिख रहे हैं पड़े हुए, तो अभी इन चीजों का डिटेल्स शाम तक आनी बाकी है। और भसीन जी ने जो कहा कि अपनी पीठ थपथपाना बिल्कुल गलत है, ये कहना हमारा कंट्रोल रूम कांग्रेस कंट्रोल में सुबह से रात तक लगभग 1000 फोन आते हैं, जो लोग त्रस्त हैं, जिनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ये अपनी 300 से ज्यादा वैकेंसीज हैं स्वास्थ्य विभाग में जो नहीं भरी गई। हमारे पास एक साल का समय था, ये राजनीति का कोविड विषय नहीं है, लेकिन सरकार बहुत कुछ ऐसा कर सकती थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकती थी, लोग वॉलंटियर करके कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। प्रदेश में कोई कोरोना की स्थिति बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, और ये कहना हम देश के मुकाबले में ठीक है बिल्कुल गलत है। देश में जो सबसे खराब राज्य है उसमें से उत्तराखंड शामिल है, जिसमें कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और प्रति 1,00,000 में चौथे नंबर पर है उत्तराखंड, बिल्कुल चौथे नंबर पर है। और जी बिल्कुल, और दूसरी आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था, 400 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, आप उन लोगों को अपॉइंट कर सकते थे, आपके खुद के मंत्री जो हैं वो अपने भांजे के लिए बेड नहीं दिला पाते हैं, आपके विधायक खुद आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्पिरिट अवेलेबल नहीं है कि वो अपने आप को डिसइंफेक्ट कर सकें कोरोना वॉरियर से। आज जो शुरू होना था, जो कोरोना ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना था, उसका कुछ अता पता नहीं है कब सप्लाई आएगी और कब शुरू होगा, क्योंकि आप पहले लोगों को, मैंने मांग भी रखी थी मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, जिन लोगों को कोरोना वॉरियर्स को और 45+ को आप पहली डोज दे चुके हैं, आप पहले उनको दूसरी डोज दीजिए, तब आप ये पब्लिसिटी स्टंट 18+ वाला शुरू करिए। पूरे देश में घोषणा हो गई है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ने सप्लाई करना था वो लंदन चले गए हैं छोड़कर, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। कोई योजना चाहे वो केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की, कोरोना से फाइट करने के लिए कोई योजना नहीं है। कभी कहते हैं कुंभ में कोविड का टेस्ट चाहिए, कभी कहते हैं नहीं चाहिए, फिर दोबारा कहते हैं कि फिर चाहिए, तो एक जिस तरीके का पूरे प्रदेश में एक मत नहीं बन पाया समय रहते हुए। ठीक है शिल्पी जी, आपकी बात का जवाब लूंगी मैं देवेंद्र जी आपसे, लेकिन एक और मैं उसमें एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि सल्ट उपचुनाव की बात हो रही है और सल्ट के विकास की भी बात हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अल्मोड़ा जिले में पड़ता है सल्ट, तो अल्मोड़ा में किस तरीके से आने वाले दिनों में सुविधाएं देखने को मिलेंगी खासतौर पर कोविड पेशेंट के लिए? देखिए, पहली बात जो मैं बताना चाहूंगा, आपकी जानकारी में होगा वैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जो है मैदान में है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और इसके अलावा जितने भी हमारे मंत्रीगण है, प्रत्येक मंत्रीगण को अलग अलग जिले का प्रभार दिया गया कोविड दृष्टिकोण से, कि वे तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में
व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लें, जिला प्रशासन से समन्वय करके वहाँ जो कार्य हो रहे हैं उनका अनुश्रवण करें, जो होने चाहिए उनके बारे में भी सरकार को बताएं जिससे तत्काल व्यवस्थाएं की जा सके। दूसरा भी जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी, तो शिल्पी जी की जानकारी में डालना चाहूंगा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सेकंड डोज तो पहले लग चुकी है, बहुत सारे लग चुकी है, शुरुआत में से की गई थी उन सबको सेकंड डोज लग चुकी है। अब तो जो 45 और मुझे लगता है शिल्पी जी 45 साल की उम्र से ज्यादा लोगों की बात करी होंगे, लेकिन उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की बात समय लगेगा ना, 45 साल वालों को तो 6 हफ्ते के बाद लगनी है। अब जैसे मैं ये हूँ, मेरी दूसरी डोज लग चुकी है क्योंकि मैं उसी श्रेणी में आता हूँ, तो मुझे दूसरी डोज लग चुकी है, बाकी के क्रम में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए कि जो 18 से लेकर के 45 साल तक के लोग हैं उन सभी को जो वैक्सीनेशन होगा, प्रदेश सरकार पूरा खर्चा 450 करोड़। ये सवाल बहुत बड़ा है और बरकरार भी है, क्योंकि देश भर में कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की प्रक्रिया के लिए नामंजूरी दे दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।